अभी नतीजे आए आ रहे थे, खीज बढ़ती जा रही थी। खीज साहब लोगों की ऐसी बढ़ी कि उन्होंने संसद के परिसर में, जहां हम लोग सब बैठकर संसदीय मर्यादाओं का, संविधान का और लोकतंत्र को बचाने के लिए जहां हम धरने पर बैठते थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते थे, बापू महात्मा गांधी जी का जो स्टैच्यू है, बड़ा ऐतिहासिक स्टैच्यू है, आप लोग अक्सर कैमराज में उसको दिखाते हो, और जैसा मैंने कहा उन्हीं के चरणों में बैठकर, यही भाजपा जब विपक्ष में होती थी ये लोग भी उन्हीं के चरणों में बैठकर हमारे खिलाफ विरोध करते थे और लोकतंत्र की रक्षा करते थे, संविधान की रक्षा करते थे। हम विपक्ष में आए, हम भी वही कर रहे थे। लेकिन ये एक अनोखे प्राणी हैं। वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, जो कोई व्यक्ति अगर बुराई का प्रतीक बन जाता है तो वो एक अंगारे के माफिक हो जाता है। जलता है तो हाथ जला देता है और बुझता है तो हाथ काले कर जाता है। तो ये बुझते बुझते भी हाथ काले करते जो जा रहे हैं। महात्मा गांधी का स्टैच्यू, आपको तस्वीरें दिख रही हैं, वीर शिरोमणि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैच्यू, ये तमाम स्टैच्यू वहां से हटा दिए गए। पीड़ा किस बात की है, खीज किस बात की है? पीड़ा इस बात की है कि ये जो वन नेशन वन रीइंकार्नेशन, वन नेशन वन गॉड जो बनना चाह रहे थे, एक देश एक भगवान खुद जो बनना चाह रहे थे, उन्होंने कहा बीच चुनाव के कि महात्मा गांधी को तो कोई जानता ही नहीं था जब तक पिक्चर नहीं आई। लोगों ने जवाब दिया 4 जून को, करारा जवाब दिया। अब खीज निकालने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी का स्टैच्यू वहां से उखाड़ दिया और धकेल दिया कहीं पीछे जाकर। संविधान की पूरी लड़ाई राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे तमाम नेता, प्रियंका जी, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने प्रचार से भी ज्यादा संविधान को बचाने की मुहिम छेड़ दी थी, क्योंकि संविधान पे जो खतरे के बादल मंडरा रहे थे वही 7 लोक कल्याण मार्ग से ही निकलकर आ रहे थे। तो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ भी खींच निकाल दी, उनका स्टैच्यू भी यहां से उखाड़ दिया, पीछे धकेल दिया। महाराष्ट्र के नतीजे आपके सामने हैं, करारा जवाब महाराष्ट्र के लोगों ने भी दिया। तो महाराष्ट्र के लोगों से बदला लेना के लिए उन्होंने क्या कदम उठाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू भी यहां से उखाड़ दिया और पीछे धकेल दिया। अयोध्या में क्या हुआ, 50-50 कोस दूर एक भी सीट नहीं जीत पाए। ना केवल अयोध्या, अगल बगल की तमाम सीटों पर करारा जवाब मिला। आप सुबह से शाम तक देखिए कैसे गालियां दे रहे हैं ये अयोध्या वासियों को, राम भक्तों को। तो ये खीज निकालना, अपने आप को इन तमाम महापुरुषों से ऊपर मान लेना, अपने आप को भगवान से ऊपर मान लेना, अभी भी ऐंठ गई है। तो भी देखिए आप, आज का भाषण थोड़ा बहुत मेरे कानों में भी पड़ा, इतना अटपटा भाषण, खीज इतनी ज्यादा, झेप नहीं मिटा पा रहे। अब वो एनडीए का फुल फॉर्म मालूम है आपको, नायडू डिपेंडेंट अलायंस या नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। पिछले 10 साल में कितनी बार एनडीए का नाम लिया, कभी आपने सुना? गिनो। चलो आज मैं आप सबको होमवर्क देता हूं, मैं अपने आप को भी होमवर्क देता हूं, जितना पिछले 10 साल में एनडीए का नाम नहीं लिया, आज कितने घंटे का भाषण था, 1 घंटे का तो उससे कम तो बोलते नहीं, 1 घंटे में कितनी बार नाम ले लिया एनडीए का? 1.5 घंटा चलिए, आपने होमवर्क करना शुरू कर दिया। 1.5 घंटे के भाषण में एनडीए का नाम कितना ज्यादा लिया गया। पहले था एक अकेला सब पर भारी, मोदी की गारंटी, अब बीजेपी की भी गारंटी नहीं,
अब एनडीए की गारंटी आ गई। वैसे एनडीए वाले जो दोनों हमारे साथी हैं ये भी जानते हैं इस आदमी की गारंटी पे कोई भरोसा नहीं करता, वो लोग भी नहीं करते। दुख इस बात का है कि आप, आपकी जो खीज है हमसे निकालिए, निकालते रहते हैं, पिछले 10 साल से निकाल रहे हैं, राहुल गांधी से आप निकालते रहते हैं, निकालिए, हम मुकाबला करेंगे आपका। आपकी खींच तो आप नेहरू जी से निकालते रहते हैं, उसके लिए मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं है। नेहरू जी का कद इतना बड़ा है कि आप अटल जी के पांव की धूल के बराबर नहीं, आप नेहरू जी का मुकाबला करने चले। तो आप अपनी खींच छत्रपति शिवाजी महाराज से निकालने की कुछ चेष्टा क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से आप अपनी खींच क्यों निकाल रहे हैं? उनकी क्या गलती थी? यही कि वो एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा संविधान के शिल्पकार थे जिससे मेरे और आपके हकों की रक्षा होती है। आप क्यों महात्मा गांधी के इतने खिलाफ हैं? ठीक है, आपके वैचारिक पूर्वजों ने जो किया वो किया, आपके वैचारिक पूर्वजों ने गांधी पर गोली चलाई तो गोली चलाने से पहले वो भी झुके थे उनके सामने, जिस तरह से आज आप संविधान के सामने झुक रहे थे ना, हमारे मन में यही विचार आ रहा था कि जब राजीव जी की हत्या की वो महिला भी राजीव जी को पहले हार पहनाया, उनके सामने झुकी और फिर हत्या की, तो आज मैं बड़ा घबरा रहा था जब ये संविधान के आगे झुक रहे थे। हम मांग करते हैं कि जो दो कमिटियां बनी थी, ये मेरी प्रेस विज्ञप्ति में दोनों कमिटियों की जिक्र है, एक कमिटी है जेपीसी ऑन मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज कैरेक्टर एंड डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स, और दूसरी है कमिटी ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ पोर्ट्रेट स्टैच्यूज ऑफ नेशनल लीडर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस इन द पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स। ये दो कमिटियां हैं। आपको हैरानी होगी जानकर कि ये जो कमिटी है पोर्ट्रेट्स और स्टैच्यूज वाली, इसकी आखिरी मीटिंग 18 दिसंबर 2018 को हुई थी, 6 साल से कोई मीटिंग नहीं हुई है। और कल जब जयराम रमेश जी ने मुद्दा उठाया ट्वीट करके, 2 बजे उठाया था लगभग, 8 बजे ये जवाब देकर फिर झूठ बोलते हैं कि राजनीतिक दलों से बात हुई थी, किसी राजनीतिक दल से कोई बात नहीं थी। तो हम यह स्पष्टीकरण चाहते हैं, भारत की जनता को यह बताएं, महाराष्ट्र की जनता को बताएं, खैर छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, हम सबके हैं, हम सबको बताएं, बाबा साहब अंबेडकर सबके हैं, महात्मा गांधी तो पूरे विश्व के हैं ही, हम सबको आप बताइए कि इन महान विभूतियों को हटाने के पीछे आपकी मंशा क्या है? क्या चाहते हैं आप कि हम इन लोगों की चरणों में बैठकर आपका विरोध नहीं कर सकें? हम करेंगे, हम जहां बैठ जाएं माटी उन्हीं की है, ये लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, आपको हम जवाबदेह बनाएंगे, और संसद के भीतर और संसद के बाहर आपको इन तमाम सवालों के जवाब जनता को देने पड़ेंगे।